ये क्या हुआ इनको? कब की मर चुकी हैं। शी इज डेड। बाबी मां, बाबी मां। अरे 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 भाभी मां, भाभी मां, भाभी, ये देवर है इनके? देवर नहीं, ड्राइवर है। ACP Gokhale. AD Merchant, legal advisor to the Ethanwalas. Aye, sir. कौन कौन रहता है यहाँ? सर सगे में तो कोई नहीं, स्टाफ के दो लोग हैं, ये स्वाति और एक ये सुभाष। Why don't you sit down? तुम क्या काम करते हो यहाँ? सर मैं साहब की गाड़ी चलाने से लेकर ड्रिंक बनाने तक सब कुछ। ये सर, मिस्टर एदनवाला इज ए हैवी ड्रिंकर, पिछले 5 साल से कोई काम नहीं, फिल्मों में हैवी लॉस, सर पे बहुत बड़ा कर्जा है सर। कितना बड़ा? ये मकान गिरवी। लेन देन वाले परेशान करते हैं, हर हफ्ते किसी ना किसी का लीगल नोटिस आता है। वन मोर थिंग सर, शनिवार रात 9 बजे के करीब ये लोग नर्सिंग होम जाने के लिए घर से निकले और तब से अब तक मिस्टर एदनवाला का कुछ पता नहीं सर। नर्सिंग होम क्यों, क्या बीमारी है? मेनली ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। अल्कोहलिक? पानी। थैंक यू स्वाति। वेलकम सर। इनका डॉक्टर कौन है? डॉक्टर? मैं तो ड्राइवर हूं सर, ड्राइवर। अरे उनका डॉक्टर कौन है? डॉक्टर? नफरत थी डॉक्टरों से, साहब को कभी भी किसी भी डॉक्टर को नजदीक नहीं आने दिया उन्होंने। और नर्सिंग होम जाने के लिए तैयार हो गए? भाभी माँ ने समझाया था उनको। शनिवार के बाद कोई घर पर? कोई फोन? घर से कोई सामान लेकर गए थे? एक छोटा सा सूटकेस था। गाड़ी कहाँ से मिली? सर महालक्ष्मी रेसकोर्स के पार्किंग लॉट से। गाड़ी के अंदर से कुछ गया? कुछ नहीं सर, कार स्टीरियो एसी कुछ भी नहीं, बल्कि मिसेस एडनवाला ने तो वो डायमंड का ब्रेसलेट, ब्रोच और रिंग्स, करीब 2-2.5 लाख की ज्वेलरी पहनी हुई थी, वो भी किसी ने नहीं ली सर। स्ट्रेंज। जब वो लोग गए तुम यहीं थी? जी सर। और सुभाष? वो यही था। यही था। तुम क्यों नहीं गए? ड्राइविंग तो तुम करते हो। नहीं एक्चुअली मैं ही जाने वाला था, लेकिन भाभी माँ ने कहा कि तुम यहीं पे रुको। क्यों? स्वाति यहाँ पे अकेली थी ना, फिर भी मैंने उनको समझा कि भाभी माँ मुझे आने दो, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गाड़ी वहां पे चाहिए, तुम वापस कैसे जाओगे बेटे? सुनिए सारा कसूर मेरा है, सारा कसूर मेरा है सर, ये तो मेरे आलस की वजह से हुआ। अगर मैंने आलस प्लीज मेहरबानी करके शांत हो जाइए और ये बार बार रोइए मत। एक बार एडन वाले की क्या जान बचाई तब से यहीं पड़ा है। अरे क्या खाक जान बचाई थी, एक की जान बचाई दूसरे की चली गई। मेरे साहब को बुलाओ, मेरे साहब को बुलाओ। बस बस बस, तुम्हारे साहब आ जाएंगे, मिल जाएंगे, शांत हो जाओ। अभी बाथरूम जाओ, मुंह हाथ धो लो। गदरे जी सर, इनको लेके जाओ। मुझे पता है बाथरूम का है, तुम जाके दूसरा ड्यूटी करो। बहुत भावुक आदमी है लेकिन अकल थोड़ी कम है। अकल होती तो ड्राइवरी थोड़ी करता। एक्सक्यूज मी। हेलो। थैंक यू। लीजिए, इरला नर्सिंग होम के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मिस्टर एडनवाला वहां भर्ती होने वाले थे। व्हाट?
मिस्टर मर्चेंट जरा देखो इसमें क्या है। स्वाति, जब वो यहां से निकले तुमने नोटिस किया कि उनकी हालत कैसी थी? जिस तरह चल रहे थे, कांप रहे थे, मैडम का सहारा लेकर चल रहे थे, ऐसा लग रहा था लंबे अरसे से बेड पे रहे होंगे। उनके चेहरे से बीमार हों ऐसा लग रहा था? मैंने उसी दिन देखा और उनका चेहरा भी देख नहीं पाए। क्यों? अंधेरा जो था। अंधेरा क्यों? लाइट ऑन नहीं थी। उनकी आंखों को तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। और वो मंकी कैप भी पहने हुए थे। मंकी कैप? यस सर, मंकी कैप, ओवरकोट और मफलर भी। बहुत ठंड लग रही थी उन्हें। सर, 103 डिग्री बुखार था मेरे साहब को, बहुत कांप रहे थे। अच्छा, मिस्टर मर्चेंट, उन दोनों की आपस में अनबन होती रहती थी ऐसा सुना है? हाँ, they used to fight, लेकिन privately क्या होता है? मारपीट? नहीं 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 सर, वो तो देव जैसे आदमी है, कभी किसी पे ऐसा हाथ उठाना कभी? ठीक है, कभी नहीं सर। Difficult to say, because he's an alcoholic, but he's also is eccentric. That's a fact. Oh, sir, इसका मतलब मिस्टर एडन वाला ने खुद ही अपनी वाइफ को मार डाला और भाग गए। अगर मारना ही था तो उनके हाथ पैर क्यों बांधे? हाँ। और मान लो कि वो भाग गए तो उनकी गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के पास से मिलनी चाहिए थी, रेस कोर्स के पार्किंग लॉट से नहीं। सिवाय इसके कि उनका इरादा घोड़े पर बैठकर भागने का हो। नहीं सर, वो जानवरों से प्यार बहुत करते थे लेकिन कभी ऐसे बैठते नहीं थे। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, शादी में भी घोड़े पे नहीं बैठे थे, चल के थे। Only love, no sitting, no. देखो, ये सिर्फ कहने की बात है। आप लोग चाय पियेंगे सर? वाह, नाइस टी। थैंक यू। वाओ, ये सब बॉटल्स मिस्टर एडन वाला ने खाली किए हैं। A bottle a day. Oh. ये एक बोतल कितने की होगी? 400-500 रुपए की? 2500। कितने की? 2500। 2500 की एक बोतल। इसमें क्या है? खाली है। फिर ऑन क्यों है? इसको ऑफ करो। नहीं नहीं, इसको कभी बंद नहीं करते। खाली भी हो तो भी चालू रखना पड़ता है। इसकी दीवार पर ना जो बर्फ जमी है, बंद करो तो पिघल जाएगी और पूरा पानी भर जाएगा। फिर अंदर कुछ रखना हो तो पूरे पानी को निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ी मशीन खराब हो जाएगी। Oh, I'm sorry, sorry. लीजिए, ऑन कर देता हूँ। ये जर्मन कंप्रेसर है ना, 38 का। 38? ये 38 क्या है? 38? 38 सर, वो 37 के बाद आता है और 39 के थोड़ा पहले ऊपर आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, 37 के बाद 38 आता है। ये पीस कितने का होगा? ये 40-50 हजार। यू नो, मेरे साले ने परेल में होटल खोला है, उसको ऐसा ही चाहिए। वैसे एडन वाले को बेचना ही है, नहीं है? हाँ, वो तो सर साहब तो एक के बाद एक करके सारी चीजें बेच रहे हैं। ये डाइनिंग टेबल दिख रहा है? नहीं तो बेच डाला ना, बेच डाला। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम आराम से बैठो। ओपन दिस। आपको ये अंदर से देखना है? हाँ। तो ये सारी बॉटल्स उतारनी पड़ेंगी। ओ, तो उतारो। सर कदरे, इधर आओ सर, प्लीज। हेलो। हाँ, अरे सर, ये स्टॉप इट, स्टॉप इट, छोड़ दो उसे। हाँ, स्पाइनल इंजरी, गॉट इट, थैंक यू। मिस्टर मर्चेंट आइए बैठिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मिसेज एडनवाला की मौत अब से तकरीबन 5 घंटे पहले, यानी आज सुबह 7 बजे, और मौत की वजह है सीवियर स्पाइनल इंजरी।
जो कि बूथ के अंदर रखे बेंच की धार पर गिरने से हुई। हो सकता है मिसेज एडनवाला बेंच पर चढ़ी हो और गिर गई। मिस्टर गोखले, अगर वो शनिवार रात से मिल्क बूथ में बंद थी तो रविवार को मिल जानी चाहिए थी ना, जब सुबह सुबह मिल्क की वैन आती है तब। शायद आप नहीं जानते कि पिछले 5 दिन से आरएमएल कॉलोनी में हड़ताल चल रही है। मिस्टर गोखले, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गुंडों ने गाड़ी रोक ली, मिसेस एडन वालों को मिल्क बूथ में बंद कर दिया और मिस्टर एडन वालों को किडनैप किया। आउट ऑफ क्वेश्चन मिस्टर मर्चेंट। Why इज इट आउट ऑफ क्वेश्चन? इट्स स्ट्रेट एंड सिंपल। कोई किडनैप क्यों करेगा? पैसों के लिए। मिस्टर एडन वाला को किडनैप करे, उसकी बीवी को मार डाले, तो फिर पैसे किससे निकलवाएगा? मिस्टर मर्चेंट, एडन वाला ने कोई वसीयत बनवाई थी? नहीं, वो सब लीगल मैटर्स मेरे से ही करवाते हैं। उनका विल अगर बनाना होता तो नहीं बनाता। तो फिर कोई तीसरा आदमी लगता है, जान पहचान वाला, उनके सर्कल का। बोरकर सर, गदरे की ड्यूटी यहाँ लगा दो। ये सर, गदरे तो इधर ही रहते हो ना? मेरे साहब ने सर छिपाने की जगह दी है मुझे। अच्छा ठीक है, दे रखो मेरा कार्ड, कोई भी बात हो, जरूरी बात तो मुझे फोन करना। थैंक्स फॉर दिस स्वाति। यू आर वेलकम सर। भाभी माँ करके क्या रो रहे थे? साहब ने मुझे बड़े भाई की तरफ प्यार किया है तो मैडम भाभी माँ ही हुई ना। क्या प्यार, पता है मुझे कितनी हंसी आ रही थी। I'm a emotional person. मर्चेंट साहब अभी तक यहीं पर, मैं निकलता हूँ। इधर इधर एक ड्रिंक बना। आइस प्लीज यूज दैट। मिस्टर सुभाष शर्मा। मिस्टर एडी मर्चेंट, सुना है कि तुम फिल्मों में काम करने के इरादे से आए थे। इरादा तो पहले मेरा वकील बनने का था। Good, good. फिर सोचा छी गंदी लाइन, किसी अच्छी लाइन में जाऊंगा तो बेहतर होगा। जब तक फिल्मों का काम शुरू नहीं होता तब तक तुम्हें नौटंकी करनी चाहिए। अच्छा, कमाल के भांड। भाभी माँ, व्हाट अ परफॉर्मेंस देवर जी। अच्छा लगा आपको? थैंक्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? ये परफॉर्मेंस तुम करोगे कहाँ? मतलब जेल में। जेल में क्यों? क्योंकि पुलिस को तीसरे आदमी की जो तलाश है। तीसरा है, चौथा, मुझे उससे क्या। अरे वो तीसरे में तुम्हारा नंबर पहला आता है। मैं कहां से आ गया, ना मुझे कुछ लेना है ना इसमें कुछ देना है मुझे। मान लो कि मिस्टर एडन वाला का खून हुआ है। चलो माना। माना। और मिसेज एडन वाला भाभी मां की जान लेने की कोशिश की गई। चलो ये भी मान लिया। मान लिया। अब सवाल ये उठता है कि ए किसने किया, अभी किसलिए? ए भगवान जाने। और बी भगवान जाने। भगवान तो सब कुछ जानता है भांड भैया, लेकिन पुलिस कुछ नहीं जानती। और जब तक पुलिस कुछ नहीं जानती वो शक करेगी कि ए शायद झूठा और बी शायद सच्चा। सी किस पर? किस पर?
जिसको एडन वाला की सारी जायदाद मिलने वाली है उस पर। एडन वाला की सारी जायदाद डूब गई है कर्जे में। पुलिस का हिसाब रखती है कि कितनी डूब गई है और कितनी बाहर है। मुझे नींद आ रही है, मैं निकलता हूं। नींद तो तुम्हारी जिंदगी भर की उड़ जाएगी जब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें क्या है। क्या इसमें? तुम्हारी कब्र तो खुद चुकी है और तुमने अपने हाथों से खोदी है। जरूरत है सिर्फ एक लात की और तुम सीधे अंदर, और ये वो लात है। ये मिस्टर एडन वाला की वसीयत है जिसे उनकी सारी जायदाद तुम्हें मिलती है, और इसमें कुछ इंश्योरेंस की भी बड़ी रकम का जिक्र है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कम ऑन, कंग्रेचुलेशंस, चीयर्स, कम ऑन, कंग्रेचुलेशंस, ड्रिंक अप। आप मजाक कर रहे हैं, देखने दीजिए मुझे। सिर्फ आज की रात है तुम्हारे पास, फिर कल सुबह मुझे ये पुलिस को दिखाना ही पड़ेगा। और वो गोखले ना, जब तक अंधेरे में तीर चलाता रहा है तीसरे आदमी के लिए, जब ये देखेगा ना तो गदगद हो जाएगा, गले लगा लेगा तुम्हें। फिर जिंदगी भर इसे देखते रहना। गदरे साहब। अरे बसा बसा बसा, बसा। नाम क्या है आपका? गंगाधर। गंगाधर, दारू पीते हैं? नहीं नहीं, हाथ भी नहीं लगाता हूँ। घर पे हाथ नहीं लगाते होंगे, ये तो ड्यूटी पर इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, ड्यूटी पर तो कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? कभी नहीं। सच्ची? सच्ची। माँ कसम? माँ कसम। घेउंटा? हाँ। कैसा लगा? अच्छा है। फॉरेन का है? स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का। अच्छा, ये साला फॉरेन का है वैसा लगता है। स्कॉटलैंड तो अभी सतारा में खुला ना, ये ले ले। स्कॉटलैंड सतारा में खुला और अभी पुणे में पोलैंड भी खुलने वाला है, तू ले ले। Thank you.
ये मैंने नहीं किया सर, इन्होंने आत्महत्या की अपने आप। आत्महत्या? अपने आप? जहां तक मुझे पता है आदमी आत्महत्या खुद अपने आप करता है, और मलिका ने उसने भी आत्महत्या की खुद अपने आप। सर मैं इनको क्यों मारूंगा, क्यों मारूंगा मैं? पैसों के लिए और क्या, जब तुम्हें पता चला कि इनकी सारी जायदाद तुम्हें मिलने वाली है। मुझे तो वसीयत के बारे में पता ही नहीं था, आपने मुझे बताया। किसको पता है? इन्होंने बताया होगा। यू डैम इमोशनल फूल, कि तुमने मेरी जान बचाई, अभी ले ले सब, और फिर तुमने उसका मलिका का खून किया, फिर इनका खून किया। रास्कल, मैं पुलिस को फोन करूंगा। नहीं, 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 मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है। कैसा सबूत? मेरे पास सबूत है उनका खत, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, ये सच कहता हूँ। मेरी बात सुनिए, मल्लिका, मल्लिका का प्लान था ये सच है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन मल्लिका को ये साबित करना था कि उनका खून हुआ है। खून? हाँ। कैसा खून? क्योंकि इन्होंने इंश्योरेंस की पॉलिसी में ऐसी शर्त रखवाई थी कि बीमे की रकम तब जाके मिलेगी जब ये साबित हो कि उनका खून हुआ है, आत्महत्या हो तो नहीं, सच कहता हूं मैं। और मलिका? हाँ? मलिका उस मुल्कबुद में क्या कर रही थी? वो तो मैं उनको वहां बांध के आया था, हमारे प्लान के मुताबिक गुंडों ने उनको वहां बांध दिया और साहब को किडनैप करके लेके गए ये साबित करने के लिए। तो फिर तुमने से जान से क्यों मार डाला? मैंने उनको नहीं मारा है, आरे मिल कॉलोनी की स्ट्राइक की वजह से उनकी मौत हुई है, मैं सच कहता हूं। तो फिर ये क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे? सुनिए, मेरा क्या प्लान था पता है? इनको बाहर निकाल कर इनके हाथ में ये गन रख देता जिससे उन्होंने आत्महत्या की है, और दूसरे हाथ में उनका आत्महत्या वाला खत, और धमाका करके मैं बाहर चला जाता। धमाका सुनते ही गदरे अंदर आता और दिखता कि साहब ने तो आत्महत्या की है। बस बस, अगर आत्महत्या साबित हो तो तुम्हें एक रुपया नहीं मिलेगा। नहीं नहीं चाहिए, मुझे इनकी फूटी कौड़ी तक नहीं चाहिए, मैं सच कहता हूँ, मुझे फूटी कौड़ी। पहले ये गन दूर कर। सर, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए प्लीज। पहले वो आत्महत्या वाला खत लेकर आओ, फिर तेरी बात मैं मान लूंगा। थैंक यू। थैंक यू जय सिंह। सर सर, ये आप ही के नाम लिखा है। एक मिनट, आपने कोई आवाज सुनी? नहीं। एक मिनट, वहां से सुभाष क्या हुआ? सर हा? वो गदरे वहां पे जाग गए। ओह माय गॉड सर, यहाँ पे सुभाष अभी नहीं, इनकी डेड बॉडी को निकाल के बाहर रख देते हैं ना। नहीं अभी नहीं, वो गदरे यहाँ पे आ जाएगा। प्लीज सर, प्लीज तुम पादे पहले सुनो, इधर आओ मेरे पास सर, वो गदरे आ जाएगा। प्लीज सर, सुभाष की डेड बॉडी को निकाल देते, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। लेकिन मुझे पता तो चले सर इसमें क्या लिखा क्या है। पहुंचू मैं तुझे फांसी के फंदे से बचा रहा हूँ और तू मुझे पूछ रहा है इसमें क्या है? तू सोच मैं कुछ लूटने वाला हूँ क्या तुझे? नहीं सर, मैं ऐसे साइन नहीं करूंगा। नहीं सर, साइन नहीं करेगा? नहीं। ठीक है, मैं गदरे को बुलाता हूँ। आप मुझे देखने क्यों नहीं देते कि इसमें क्या लिखा है?
और अचानक मेरी साइन की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अबे साले, थोड़ी देर पहले अपनी जान बचाने के लिए मेरे जूते चाटने को तैयार था, अब मुझे पूछ रहा है इसमें लिखा क्या है? पढ़। ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी है। यस, तेरा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे फेवर में। इस डॉक्यूमेंट के तहत तू सुभाष शर्मा मुझे एडी मर्चेंट को वो सब कुछ करने का हक देता है जो तू खुद कर सकता है। मतलब मैं तुम्हारी जगह साइन भी कर सकता हूँ और वो इंश्योरेंस के पैसे भी ले सकता हूँ मैं। नहीं मिस्टर मर्चेंट, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। नहीं नहीं तुझे शूट करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप मेरी हत्या करने का जोखिम उठाएंगे। जोखिम? कैसा जोखिम? मिलोर्ड, ये एडन वाला की लाश के साथ यहाँ पे खेल रहा था और मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसने मुझे बंदूक दिखा के जान से मारने की धमकी दी और मेरी खुशकिस्मती से ये बंदूक मेरे हाथ में आ गई और इसकी बदकिस्मती से गोली चल गई। Prima facie, that is the case, my lord. अब समझा। वसीयत के मुताबिक इनके इंश्योरेंस के पैसे मुझे मिल सकते हैं। कब? जब ये साबित हो कि उनका खून हुआ हो तब। और अब एडन वाला का खूनी कौन बनेगा? मैं, सुभाष शर्मा ही। और आत्महत्या वाला खत भी आप ले चुके। मैंने इस कागज पे साइन करके मैं पैसे भी गंवाऊं और अपनी जान भी। नो वे, नो, नो। तुम एक सवाल पूछो, तुम्हें जवाब पता है इसलिए पूछ रहा हूं। जवाब मुझे पता है? कम जोखिम और जबरदस्त मुनाफा, तो क्या कहते हैं? ओह माय गॉड, जवाब देना। मौका, मतलब आपको सारी बात पहले से। 24 करोड़ की पार्टनरशिप तेरे और भाभी माँ के बीच नहीं, भाड़ के बच्चे मेरे और मलिका के बीच थी। व्हाट? तू तो सिर्फ घोड़ा था। जब घोड़ा रेस में जीतता है ना, तो इनाम मालिकों को मिलता है, घोड़े को नहीं। गधे, घोड़े को सिर्फ घास मिलता है और अगर मालिक के मूड में आए तो गाजर। लेकिन एडन वाला की आत्महत्या वाला खत तो मेरे पास था ना, उसके जरिए मैं आपके हाथ में ही करूं। था, आत्महत्या वाला खत था, अब नहीं है ना, अब मेरे पास है। बहुत टाइम पास हो गया, तू साइन कर, नहीं तो डालूंगा। ये कहां से आ गई? ए, नहीं सोची बात, उसे कुछ मत करना। मैं साइन करता हूं, मैं साइन करता हूं। उसे छोड़ दो, मैं साइन करता हूं। उसे जाने दो प्लीज। अरे ड्रॉप द गन, आई से ड्रॉप द गन। सुभाष, ड्रॉप द गन। तूने फोन किया था मुझे? यस, आपने मुझे कार्ड दिया था ना। ये देखिए क्या किया इन्होंने। मैंने, ये देखिए सर, मुझे आवाज आई, यहाँ कर देखा तो ये वकील साहब झूठ बोल रहा है। मेरे साहब की लाश को डिफ्रीजर से बाहर निकाल रहे थे और मुझे देखकर घबरा गए। मुझे कहता मैं जैसा कहता हूँ वैसे तू करेगा ना, तो मैं तुझे 5,00,000 रुपए दूंगा। सर आप मेरी बात मानिए, इसने इन दोनों का खून किया है। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा। हाँ पकड़ा, और मुझे गन दिखाकर मारने की धमकी देने लगे
और स्वाति को भी। सर जब मैं आया इसने मुझे बंदूक दिखाकर मुझे धमकी दी है सर। और मुझे कहते कि सांप की बॉडी को निकाल कर वहाँ गाड़ी में रखने में मदद कर तो मैं तुझे 1,00,000 रुपया और दूंगा और अपनी बेटी से शादी भी कराऊंगा। बेटी मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। इसलिए मैंने मौका देकर आपको फोन कर दिया। अरे सर ये सब इसका कारनामा है, ये सरासर झूठ बोल रहा है। और सर इनके पास कोई पेपर्स है? पेपर्स? व्हाट पेपर्स? बिल 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 कुछ बोल रहे थे पता नहीं। शो मी द बिल। सर मैंने शो मी द बिल। मिस्टर गोखले मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बस आप इसकी मत सुनिए बस। शट अप, शो मी द पेपर्स। ये तो एडन वाला की विल है, वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गए हैं। मेरे नाम? साहब ने सारी जायदाद मेरे नाम की? क्या बात करते हैं आप सर? इसलिए ये साहब मेरे पीछे पड़े? नहीं मुझे नहीं चाहिए विल का रुपया, आप दे दीजिए इनको, मुझे नहीं चाहिए। ए, नोटा की मत कर सर, इसी ने एडन वाला का खून किया है सर। लेकिन ये खून क्यों करेगा? विल के लिए, और क्या, सारी जायदाद इसे मिलने वाली है। लेकिन मुझे तो विल के बारे में पता ही नहीं, ये तो आपने मुझे अब बताया तब मुझे पता चला ना। अच्छा एक बात बताओ, ये तो वही एनवेलप है ना जो मैंने तुम्हें खोलकर पढ़ने के लिए कहा था? वो एम आई करेक्ट? कुछ वक्त पहले आप और तुमने इसे खोलकर पढ़ा, एम आई करेक्ट? और जब मैंने तुमसे पूछा एडन वाला की विल के बारे में तो तुमने कहा मुझे कुछ नहीं पता, एम आई करेक्ट? लेकिन सवाल ये नहीं कि किसने खोला और किसने देखा, सवाल ये उठता है कि खून किसने किया। फाइंड दैट आउट फर्स्ट। सर ये वो कागज है जिस पर मुझसे जबरदस्ती साइन करवा रहे थे। ये तो पावर ऑफ अटर्नी है मिस्टर मर्चेंट की फेवर में। पावर ऑफ अटर्नी माने इलेक्ट्रिक का बिल? नहीं नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो तुम कर सकते हो वो भी कर सकता है तुम्हारे बदले में। मेरे बदले? हाँ, जैसे इसमें बीमे की रकम का जिक्र है तो तुम्हारे बीमे की रकम वो क्लेम कर सकता है मेरे बदले। हाँ मेरा तो कोई बीमा बीमे की रकम, मेरा तो रेशन कार्ड भी नहीं है। ठीक है ठीक है मर्चेंट, कैन यू एक्सप्लेन दिस? आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? पावर ऑफ अटर्नी पर इसके साइन की क्या जरूरत है? सर ये कुछ नहीं है, आदमी आपको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है। सर आपको बुद्धू बोल रहे हैं? अरे बुद्धू तो मैं हूं ही, तीसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जबकि तीसरा आदमी सामने खड़ा है। सर आप इस मवाली की बात मानेंगे? सर तुम्हारे और मल्लिका के संबंध कैसे थे? दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? आई विल टेक दिस अप विद द हायर अथॉरिटीज। इसकी और मल्लिका के संबंध कैसे थे? अब जो आदमी स्नान करते करते पेशाब करेगा उसको कैसे पकड़ेंगे आप? भाभी माँ को भी नहीं। अरे भैया ये आपस में एक दूसरे से मिलते थे। ये जब स्वाति को ड्रॉप करना है तब भाभी माँ उनके साथ बाहर गई थी। What do you mean? Relax, कहाँ गए थे? I don't have to tell you. जवाब। Chinese restaurant, so what? पति बीमार पड़ा है और आप उसकी पत्नी के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट गए थे? पति पत्नी और मंचूरियन। Shut up! Just shut up! सर वो जितना खोजू दिखता है उतना है नहीं, वो बहुत बड़ा उस्ताद है। सर जब वो नर्सिंग होम जाने निकले थे तो एडन वाला की जगह ये गया था, एडन वाला तो डीप फ्रीज में था। What do you mean? हाँ, उसके कपड़े और मंकी का पहन के गया था ये, पूछिए इसे। सर सर वो जब गए तब तो मैं यहीं पर था। हाँ स्वाति से पूछ लीजिए, स्वाति इनको बताओ मैं कहाँ था। सुभाष यही था। स्वाति सर ये झूठ बोल रहे। गाड़ी की चाबी दो, गाड़ी की चाबी दो। सर गाड़ी में से ये ओवरकोट, मफलर और मंकी कैप मिले। ये कपड़े मेरे डिक्की में। आपके डिक्की में नहीं सर, आपकी गाड़ी की डिक्की में। What do you think of this? मुझे क्या पता ये कहां से आ गए, ये सब इसकी चाल है। अंधेरा, मफलर, ओवरकोट, मंकी कैप, सब फिट बैठता है। So what? मैं तुम्हें एडन वाला के खून के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। Are you out of your mind? किस जुर्म में? ये कोई सबूत होगे? I don't understand. Take him to the police station. Don't take him out. Don't take me. Don't take me. Don't take me. नहीं, मैंने एडन वाला का खून नहीं किया। एडन वाला का खून हुआ ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? उसने खुद अपने आप आत्महत्या की है। तो आत्महत्या तो अपने आप ही करेगा ना, किसी को कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी देगा। Shut up, shut up! क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये क्या है?
एडन वाला ने खत लिखा है कि वो खुद अपने आप आत्महत्या करने वाला है। सर सुसाइड नोट। अरे सुभाष और मलिका को पता था ये सुसाइड के बारे में, जस्ट क्लेम द इंश्योरेंस मनी। रीड इट। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये ब्लैंक पेपर है, कोरा कागज। मुझसे तो कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, तुम पढ़ के दिखाओ। सुभाष! बंगले का नाम क्या रखा? सुभाष विला या सुभाष सदन? अभी तक सोचा नहीं है। और इंश्योरेंस क्लेम का? वो पास हो गया। वाओ, कंग्रेट्स। थैंक्स। कम। यहाँ का फोन बंद है क्या? नहीं, चल रहा है। क्यों? नहीं, मुझे लगा फोन खराब होगा। मुझे लगा सारी बम्बई के फोन खराब होंगे। एक फोन भी नहीं कर सकती थी? स्वाति, मेरा तो दिल करता था तुम्हें एक क्या हमें दिन में 10 बार फोन करूं, लेकिन लेकिन क्या? यू नो स्वाति, मैं तुम्हें सब बता देना चाहता हूँ, सब सच। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। किसी फिलोसोफर ने कहा है, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। क्राइम? हाँ, हर बड़ी दौलत के पीछे कोई ना कोई जुर्म होता है। लेकिन इस दौलत को पाने के लिए मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। अरे मैंने कब कहा तुमने जुर्म किया? सो यू बिलीव मी? बिलीव? हाँ? मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। थैंक्स स्वाति, रियली थैंक्स। वैसे तो कभी कभी बड़ी दौलत के पीछे नसीब का हाथ भी होता है। गुड लक। मतलब? जैसे मेरा नसीब। मैं समझा नहीं। सुभाष, मिस्टर एडन वाला जब यहाँ से नर्सिंग होम जाने को निकले, हाँ? उन्होंने तुम्हारे जूते पहने थे, ये। हुआ ना मेरा नसीब? है ना फातना?